भारत दौरे से पहले बोले ट्रंप, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा भारत, नहीं करेंगे कोई बड़ा व्यापारिक समझौता। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2000 के पार, 74,185 मामलों की हो चुकी है पुष्टि। पूरे देश में समान नागरिकता संहिता की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट करेगा आज सुनवाई। शाहीनबाग मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार आज करेंगे प्रदर्शनकारियों से बात। AGR मामला, वसूली के लिए दूर संचार मंत्रालय जब्त कर सकता है वोडाफोन आइडिया की बैंक गारंटी। शेयर बाजार में दर्ज की गई तेजी, सेंसेक्स में 350 और निफ्टी में 100 अंकों की बढ़त। मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़कर पुलवामा में शहीद जवान की पत्नी करेंगी आर्मी ज्वाइन। पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 3 आतंकियों को किया ढेर। CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं की तारीफ में आगे आई BJP नेता और पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन। दिल्ली में घर घर राशन देने की योजना को केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी।